प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस के इंजेक्शन लगना बेहद ज़रूरी होता है। अगर अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी कि या फिर अभी तक आपने प्रेगनेंसी में टिटनेस के इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं, कब लगते हैं ये इंजेक्शन, कितने लगते हैं और क्यों ज़रूरी है टिटनेस के इंजेक्शन लगना, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी कर रहे हैं तो जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में टिटनेस के इंजेक्शन कब लगते हैं और सही समय पर आप ये इंजेक्शन लगवा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। टिटनेस जो है एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी होता है। ये होता कब है? कोई सुई चुभ जाए हमारे हाथ में, या कील लोहे की कोई कील चुभ जाए, चाकू लग जाए लोहे का, या फिर कोई जंग लगी हुई कोई भी लोहे का की चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है लोहे का, अगर हमारे हाथ में या शरीर में कहीं भी चुभ जाता है और उसकी वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद अगर आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो टिटनेस होने की पूरे चांस हो सकते हैं। लोहे के चुभने से, कोई बहुत पुराना जंग लगा हुआ लोहे का सामान है जो कि काफ़ी लंबे समय से यूज़ में नहीं आ रहा था, या फिर कुछ भी अगर लोहे का सामान आपको चुभा है, सुई है, चाकू है या कुछ भी है, तो उसके बाद टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ से, ताकि भविष्य में कभी भी टिटनेस होने की संभावना ना हो। अब इसमें होता क्या है, अगर बाय चांस किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है तो उसमें जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जैसे कि होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है तो उसके जबड़े टेढ़े होने लगते हैं, गर्दन टेढ़ी होने लगती है, पूरा शरीर जो है वो एकदम ऐंठने लगता है, अकड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। बहुत ख़राब तरह की ये बीमारी होती है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बहुत ख़राब बीमारी होती है ये। प्रेगनेंसी में टिटनेस के दो इंजेक्शन लगते हैं, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगता है पहली तिमाही में, और दूसरा इंजेक्शन लगता है कि जब पहला आपको इंजेक्शन लगा है उसके 4 हफ्ते के गैप पर, मतलब कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जब भी वो इंजेक्शन लगा है उसके ठीक 1 महीने बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है टिटनेस का। ये टिटनेस का इंजेक्शन हर प्रेगनेंट महिला को दिया जाता है, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में लिया था, और ये माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात, अगर आपने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव की है 3 साल के बाद, अगर पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में आपके 3 साल का गैप है, तो आपके डॉक्टर आपको सिर्फ एक ही इंजेक्शन देंगे जो कि बूस्टर डोज होगा, उसमें आपको, उस केस में आपको 2 इंजेक्शन नहीं लगेंगे। अगर गैप ज़्यादा लंबा है, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए हैं, तो 2 इंजेक्शन लग सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक ही बूस्टर डोज लगेगा। इन 3 साल के गैप के बीच में, फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में जो 3 साल का गैप था, अगर इस दौरान कभी भी आपने खुद से टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, जैसे कि कोई नुकीली चीज़ आपको चुभी और आपने खुद से लगवाया है, तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक ही बूस्टर डोज लगेगा। तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें। आपने अगर कभी भी इंजेक्शन लिया है टिटनेस का तो वो भी उन्हें ज़रूर बता दें याद करके, उस हिसाब से आपको प्रेगनेंसी में टिटनेस के इंजेक्शन दिए जाएंगे। पर ये लेना बेहद ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं लगवाया है या आपको अभी तक नहीं लगा है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस बारे में ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि ये लगना हर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है किसी ऐसी गर्भवती महिला हो, कोई हमारी ऐसी बहनें हो जिसको इस बात की जानकारी ना हो, ताकि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें भी इस बात की समझ हो जाए कि उन्हें भी प्रेगनेंसी में टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।